السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जो जो नेमतें अता फरमाई हैं, उन नेमतों में से दो बुनियादी नेमतें हैं, एक इंसान की जान और एक इंसान का माल। ये इंसान अगर इस जान और माल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करता है, उसे खर्च करता है, तो यही जान का इस्तेमाल, यही माल का इस्तेमाल इंसान के लिए नेकी का और सवाब का जरिया बन जाता है, निजात का जरिया बन जाता है। यही इंसान उसी जान को, उसी माल को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो यही माल और जान का गलत इस्तेमाल ये इंसान को आखिरत की बर्बादी तक ले जाता है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस जिंदगी के अंदर कुछ जगहों में तो ये सिखाया कि इस जगह जान और माल का खर्च करना बंदे के दिल में फर्ज है, जिन्हें अगर बंदा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। कुछ काम ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये समझाया कि इन कामों के अंदर जान और माल खर्च करना वाजिब है। कहीं सिखाया कि इस जगह में माल खर्च करना, जान खर्च करना सुन्नत है। कहीं सिखाया कि इस जगह में और इस काम में माल खर्च करना हराम है। ये सब हिदायात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अता फरमाया। ना कि कुछ काम अल्लाह ने इंसान के दिल में ऐसे रखे हैं कि जिनमें जान और माल खर्च करना फर्ज है। उसके लिए कुछ इबादात अल्लाह ने ऐसी रखी कि जो बदनी इबादात के कहती है, जिसमें इंसान की जान लगती है, माल नहीं लगता, जैसे नमाज और जैसे रोजा। इसमें इंसान की जान खर्च होती है, बदन खर्च होता है, जिस्म खर्च होता है, माल खर्च होता है, और ये दोनों इबादतें इंसान के दिल में फर्ज है। नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है। तो इन दो जगहों में अल्लाह ताला ने माल के बजाय जान खर्च करने को फर्ज करा दिया। बिल्कुल इसी तरह आज जगहों में अल्लाह ताला ने माल खर्च करने को फर्ज करार दिया, न करे बंदा तो वो गुनाहगार। जैसे ज़कात, जितना माल हो जाए, 52 तोला चांदी हो जाए, 7.5 तोले सोना हो जाए, ये 40-42 हज़ार रुपया इसके पास जरूरत से ज़ायद पड़ा है, साल गुजर गया, अब इस पर ये ज़कात कितनी मिकदार 2.5% अदा करे, ये इसके जिम्मे फर्ज है, करेगा गुनाहगार होगा। बीवी बच्चों की देखभाल, इसे अखराजात अदा करना, उनका नाम नफका यानी खाना पीना रिहाई लिबास, इंसान के दिल में फर्ज, नहीं अदा करेगा गुनाहगार होगा। मैंने अर्ज किया कि ये दो रिश्ते ऐसे थे कि जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को कहीं जान खर्च करने को कहा, कहीं माल खर्च करने को कहा। ये दो बुनियादी नेमतें हैं इंसान के पास। अगर ये इंसान जान का खर्च अपनी मर्जी से करे, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करे, तो ये हराम है, ये हराम है। देखिए, इंसान अगर खुदकुशी करता है तो कहा जाता है हराम मौत, रहता तो मुसलमान है, ईमान बाकी रहता है, लेकिन उस इंसान को हराम काम करने का गुनाह होता है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी जान को इस्तेमाल
इस्तेमाल किया अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। ये इंसान अगर अपनी जान को तकलीफ पहुंचाए, किसी ऐसी दवाई को इस्तेमाल करे जो इंसान के लिए नुकसान दे, किसी ऐसी चीज को, खुराक को इंसान इस्तेमाल करे जो इंसान के लिए नुकसान दे, या ये इंसान किसी को खाने के लिए चीज ऐसी दे जो नुकसान दे हो, जिसमें मिलावट हो चुकी, जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी, पता है कि ये इंसान को नुकसान देगी, उसकी जान को नुकसान देगी, तब सूरह बकरा की वो आयत नहीं रखनी चाहिए कि ला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। और अगर एक इंसान कोई ऐसी हरकत करता है जिससे दूसरे एक इंसान की जान को नुकसान पहुंचता है, उसकी जान को नुकसान पहुंचता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मन कतल नफ्स बिगैर नफ्स फकअन्नमा कतल नफ्स जमीअ, एक जान को नुकसान पहुंचाता है गोया कि उसने इंसानियत को कत्ल किया। ये इंसान एक जान को फायदा पहुंचाता है, एक जान की जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। मन अहयामा फकअन्नमा अहयन्नाका जमीअ, तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने ये जो जान की जिंदगी की जो नेमत दी है, इसको इंसान न अपने लिए गलत इस्तेमाल कर सकता है, न दूसरे की जान को नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों तरफ इस इंसान के लिए गुनाह है। इबादत अल्लाह ताला ने ऐसे इंसान को दी कि जहां जान खर्च करना फर्ज, जैसे नमाज और रोजा, कहीं माल खर्च करना फर्ज, जैसे जकात। अल्लाह ताला ने इंसान के जिम्मे कुछ इबादत ऐसी भी रखी कि जहां इंसान की जान भी खर्च होती, माल भी खर्च होता है, जैसे हज। ये हज इंसान के लिए ऐसी इबादत है कि जिसमें जान भी खर्च होती है, माल भी खर्च होता है। और अगर इस इंसान के पास इतना माल हो कि जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, ये वो आयत है जिसके जरिए हज की इबादत फर्ज हुई है, जिसमें जान भी खर्च होता है, माल भी खर्च, दोनों खर्च। अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना ये फर्ज है, लेकिन किस पर? मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इसकी तरफ जाने की ताकत रखता है। अब एक जुमले में अल्लाह ताला ने बहुत सी बातों को बता दिया। एक इंसान जिस पर जिसके पास पैसा मौजूद है, इतना पैसा कि जिसमें आने जाने का टिकट, वहां रिहाइश, खाना पीना और पीछे जो लोग इसके जिम्मे देने का पालक है, उनका खर्चा इसके पास मौजूद है, तो इस इंसान पर हज फर्ज हो गई। इसने जनाब दरख्वास्त दे कुरान दाजे के लिए, इतने पैसे थे कि सरकारी हज कर सकता था, सरकारी गवर्नमेंट से जहाँ जो इंतजाम चल रहा है उसमें कर सकता था, दरख्वास्त दे दी। क्योंकि आजकल ये वाला सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है कि जी मैंने दरख्वास्त दे दी थी, पैसे भी खो गए थे, नहीं नाम निकला, अब मेरे फर्ज हज की क्या कैफियत थे। तो आप मुराद ने अगर उस आयत का यह हिस्सा जहन में रखा कि मन इस्तता इलैहि सबीला, जो उसकी तरफ जाने की ताकत रखता हो, अब पैसा तो मौजूद लेकिन नाम नहीं निकला, लिहाजा इसका वीजा भी नहीं लगेगा और इसको वहां जाने की इजाजत भी नहीं मिलेगी, तो मन इस्तता इलैहि सबीला ये सामने ना आ सका, इसलिए इस बंदे को हज ना करने का कोई गुना नहीं हो। इसके साथ बेबस बेबस आप सूरह बकरा की वो आयत भी जहन में रखनी होगी। इसी अर्ज कर रहा हूँ, आजकल ये सवाल बहुत चल रहा है कितनी लोगों के जहन में, जिसने दरखास्त जमा कराई और नहीं निकली, तड़प तो है अपने जहन में, लेकिन क्या उस पर इस साल हज करना फर्ज है? क्या वो कर्ज ले, क्या वो और जो महंगे तरीन पैकेज हो उनको लेकर फिर जाए,
उसका जवाब है कि जी नहीं, उसके जिम्मे ये फर्ज नहीं है, इतनी इस्तेआत है। अल्लाह ताला ने कहा मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इसकी तरफ जाने की ताकत रखता हो। और जब उसको वीजा भी मिल गया खातून है और उसके पास इस्तेआत भी है, किसी खवातीन ने बहुत सारे मसाइल इस्तफा हज के लिए बहुत ज़्यादा सोचे, किसी खातून के पास जेवर भी है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन शौहर बीमार है और कोई महरम मौजूद नहीं है, शौहर को डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे जाने की, या शौहर का इंतकाल हुआ है, बेवा है, पैसा मौजूद नहीं, ऐसी सूरत में हज उस पर फर्ज है माली एतबार से, महरम नहीं मिल रहा है महरम, लेकिन जाने को कोई तैयार नहीं, हर एक ने अपनी कीमत रुकिया है, कोई आमादा नहीं हो रहा, कोशिश भी की। अब दीन इस्लाम ये कहता है कि औरत बगैर महरम के सफर नहीं कर सकती, बगैर शौहर के सफर नहीं कर सकती, लिहाजा इस पर इस साल हज फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं, तुम मरी सता नहीं सबीला, वो नहीं हो सका, जो उसकी तरफ जाने की ताकत रखता ऐसा मौजूद, कोई रुकावट नहीं, सवाए एक रुकावट से जो शरई रुकावट है वो ये है कि महरम नहीं। अब दीन ये कहता है कि उस पर सब कुछ होने के बावजूद, इस्तेआत होने के बावजूद, एक शरई इस्तेआत इसके पास नहीं है, यही महरम, लिहाजा इस पर किस दफा हज फर्ज नहीं है। जो बात सामने आई हुई है कि अगर इंसान के पास इस्तेआत हो, लेकिन उस इस्तेआत का मफहूम पूरा क्या है, उस पूरी बात को समझना हो, चंद मसाइल और भी सामने आए आजकल में, बाद मियां बीवी ने पासपोर्ट जमा करा दिए, माशाल्लाह हज की तैयारी कर ली, नाम भी कुरान दादी में निकल आए, अल्लाह का सपना ऐसा हुआ कि शोहर का इंतकाल हो गया इन दिनों की वजह से, अब हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए ये कानून बनाया कि या तो वो अपने महरम को तैयार करने रह जाना चाहती है, अब महरम तैयार भी हो जाए तब भी एक शरई रुकावट है, वो ये है कि ये अब बेवा हुई है, ये बेवा हुई है, शोहर के इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا وہ خاتون سے جس کا شوہر فوت ہو جائے والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا یہ خاتون اپنے آپ کو رو کے رکھے چار مہینے دس دن ज्यादा चार महीने दस दिन तक की इज्जत में है। अगर इतना वक्त हो कि चार महीने दस दिन गुजर जाएंगे और फिर जब जाने का वक्त आएगा उस वक्त इसके साथ कोई महरम तैयार हो जाए तो ये इज्जत गुजार के हज पर जा सकते हैं, और अगर महरम भी मौजूद है शौहर का इंतकाल हो गया, महरम भी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, नाम भी निकल आए, लेकिन जो इज्जत के अंदर है, हमारे माशरे में आजकल इज्जत को अहमियत नहीं दी जाती है, इज्जत को अहमियत नहीं दी जाती, शौहर फोत हो जाए तो चार महीने दस दिन के लिए खातून का अपने घर में या बाप के घर में या शौहर के घर में रुकने को जरूरी नहीं समझा जा रहा, इसके लिए गुजारिश है अल्लाह ताला सबसे सेहत आफियत से सलामत रखे, लेकिन बहरहाल दिन में दीन की बात होनी चाहिए कि इस कुरान मजीद की सूरह बकरा की इस आयत के हवाले से जो भी तिलावत की है जिसमें इज्जत का बयान आया है, ये इज्जत उस घर में गुजारना वाजिब है, वाजिब है, अगर ये दौरान इज्जत जाएगी तो उसका हज फर्ज अदा हो जाएगा लेकिन गुनाह कबीरा होगा, इसलिए वाजिब को छोड़ना गुनाह कबीरा, इंसान अपनी जान को खर्च करे, माल को खर्च करे, अल्लाह को रोक के बताते हैं, अपनी सोच अपना जहन उसमें ना आने दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज समझाई, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए जहन बनाया,
इंसान हर अमल के बारे में ये सोचे कि मुझे अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या हुक्म दिया है। ये फर्ज हज की बात है, इसको फर्ज हज करना होगा। हाँ, अगर कोई बंदा नफली हज पे जा रहा हो, खातून नफली हज पे जा रहे, नफली तौर पर उमरा करना, उमरा होता ही सुन्नत, फर्ज वाजिब नहीं होता। अगर हज कई बार कर चुके हैं, दो बार, एक बार जिंदगी में फर्ज होता कर चुके, अब दो व्यू कहते, घर वाले कहते, अजीज वकार दो साहबाब कहते कि आप कितने लाख रुपया हज करने पर खर्च कर रहे हैं, नफली हज है। इसके बजाय अगर आप किसी बेवा की मदद कर दें, अपनी गुर्बत है मुआशरे के अंदर उसको दूर कर दें, क्या इस बंदे को हज छोड़कर ये काम करने के सवाब मिलेगा? तो और से सुनने वाली बात है कि अगर नफली हज फर्ज हज है तो उसके लिए जायज नहीं, लेकिन अगर कोई बंदा फर्ज हज पे जा रहा हो, नियत कर ली, इरादा कर लिया, ऐन वक्त के ऊपर पैसे की जरूरत पेश आ गई, खानदान के अंदर कोई ऑपरेशन आ गया, तुफला आ गया, घर के हालात ऐसे हो गए, ये बंदा हज फर्ज करने के बजाय पैसा उसके अंदर लगा दे, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी आ गई, उसके अंदर कोई पैसा लगा देता हूँ हज पे नहीं जाता। बड़ी तवज्जो से बात, बड़े हसास तरीके से बात सुनने वाली है कि अगर ये शख्स पैसा हज के बजाय उस पर लगा देता है तो अल्लाह ताला यकीनन सवाब अता फरमाएगा। उस बीमार पर लगा दिया, उसकी मुश्किल को दूर करने की कोशिश कर ली, यकीनन इसको सवाब मिलेगा उस काम के करने का, लेकिन हज फर्ज अभी उसके दिल में बाकी है, चाहे आइंदा साल करे, हज फर्ज उसके दिल में बाकी। ये सिर्फ फर्ज हज की बात है, लेकिन अगर नफली हज हो, नफली उमरा हो, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर ये बंदा उस पैसे को किसी और काम में खर्च कर लेता है, ये सोच करके मैं हज पर ना जाऊँ, खुला बंदे का ऑपरेशन करवा दूँ, खुला को बेरोजगार उसको यूं कर दूँ, खुला गरीब है उसकी बड़ा बेवा है उसको जरा घर बनवा दूँ, या कोई ऐसी जगह ताकि उसका सेटअप बच्चों के साथ अच्छा बन जाए, खानदान में हादसा पेश आ गया है, यकीनन उसको सवाब मिलेगा, यकीनन उसको सवाब मिलेगा। लेकिन उस नफली हज को अगर वो करता तो यकीनन उसका भी सवाब होता। हाँ, इस इंसान को चाहिए कि अगर अल्लाह ने इसको इस्तेआज़ात दी है तो नफली हज भी कर ले और दूसरे पैसे को गुरबा के लिए और बेवाओं के लिए और दूसरे कामों में इसको इस्तेमाल भी कर ले। इसको इस लहजे में ना कहा जाए कि नफली हज करना नऊज़ु बिल्लाह पैसा बर्बाद करना है, ऐसा ना कहा जाए, ये लफ्ज़ ज़ुबान पर ना लाए जाए, ये लफ्ज़ ज़ुबान पर ना लाए जाए। अगर किसी इंसान के पास ताकत हो और वो जाए नफली हज करने के लिए, उसको कतन ये ना कहा जाए कैसे आप क्यों जाए करते हैं, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने माल को अपनी जान को खर्च कर रहा है जो कि इबादत है, चाहे वो नफली है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आजकल ये भी जुबान में लफ्ज आ रहा है, जो लोग नफली हज करते हैं उनके बारे में खानदान में बातें होती हैं, इस पैसे को यूं कर लेते, इस पैसे को यूं कर लेते, इस पैसे को यूं कर लेते, बिल्कुल ठीक करना चाहिए, करना चाहिए, अल्लाह ने दिया है उसको उस काम में भी इस्तेमाल कीजिए और दूसरे नेक कामों में भी इस्तेमाल कीजिए। यही हाल कुर्बानी के अंदर है, यही हाल कुर्बानी के अंदर है कि अब देख रहे हैं गोश्त तो खाना नहीं होता, अब घर में मुझे भी गोश्त मना है, बीबी को भी गोश्त मना है, फुला को भी गोश्त मना है, और कोई गोश्त खाता नहीं, बीस वैसे ही मना है, मटन भी बना डॉक्टर ने मना कर दिया बिल्कुल नहीं खाना, घर में गोश्त को खाता है, क्या करेंगे कुर्बानी करेंगे? और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या समझाया उसको भी देखना है। फिर मुआशरे के अंदर इसी तरह रुझान बना, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जान की कुर्बानी नहीं करते, जान की कुर्बानी नहीं करते, हम कोई और काम कर लेते हैं वो भी तो नेक काम है। किसी इंसान पर अगर वाजिब हो जाए कुर्बानी, यानी निसाब ज़कात के बराबर माल मौजूद हो, 10, 11, 12 ज़ुल्हिज्जा, अगर किसी इंसान के पास ज़कात के निसाब के बराबर माल हो, चाहे उस पे साल गुजरा हो या ना गुजरा हो, जरूरत से ज़ायद मौजूद हो, 10
ग्यारह बारह दुल्हिज्जा ईद के तीन दिन, ईद के दिन आ गया कह अगले दिन आ गया। ईद के दिन आ गया, अगले दिन कैसा आ गया? इस बंदे पर कुर्बानी बाकी हो जाए। और अल्लाह ताला ने हमें समझाया कि कुर्बानी का ताल्लुक गोश्त के साथ है। आयत है कुरान में, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह ताला को हर जिस इन कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुंचता, वला दिमाउहा इन कुर्बानियों का खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारी तरफ से तक्वा ये पहुंचता। क्या तक्वा क्या होता है? तक्वा क्या होता है? एक आयत ध्यान में रखना चाहिए, जान और माल को खर्च करने में इंसान की नीयत, इंसान का ज़हन क्या होना चाहिए, वो एक आयत ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा करने लगा हूँ, तो इस तर्जुमे को बंदा ध्यान में ले आए। बेशक मेरी नमाज वनुसुकी और मेरी कुर्बानियां, यानी बदनी इबादत भी, जानी इबादत, माली इबादत सब, इन सलाती वनुसुकी, मेरी नमाज वनुसुकी और मेरी कुर्बानियां, वो महयाया और मेरी जिंदगी, वो ममाती और मेरी मौत, मेरी मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब अल्लाह के, ये सब अल्लाह के। ये इंसान जो कुछ अमल करता है, अपनी जान खर्च करता है, माल खर्च करता है, सिर्फ अल्लाह, इसमें अपनी सोच को ना आने, अपनी सोच को ना आने, अपनी सोच को दीन के ताबे खुद फैसला ना करे। ये भी तो नेक अमल है, ये भी तो नेक अमल है, और आप उस अमल को बुरा नहीं कह सकते। वहां बंदा जाकर उलझता है, ये भी तो नेक काम है, ये जरूरी काम, ये ज्यादा जरूरी काम, कुछ फैसला करता है, ये ज्यादा जरूरी है, वाकई नहीं होता, बुराई नहीं होती। लेकिन अब आखिर में एक वाकया सुना कर जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पेश आया, मुख्तसर सा वाकया, उससे आपको ये दीन का उसूल समझ में आएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ज़हनी तरबियत कैसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जिहाद के लिए सुबह सुबह एक काफिला रवाना किया और कहा कि फलां जगह आप लोगों ने इतने बजे इतने वक्त में पहुंच जाना है। असर का वक्त बताया, असर के वक्त तक आपने वहां पहुंच जाना, रवाना कर दिया। और जुमे का दिन था, जुमे का दिन था, फजर के बाद वो सारा काफिला रवाना हो गया। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, साहिबता की हदीस है जो आपको सुनाने लगा हूं। सारा काफिला रवाना हो गया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ठहर गए, ये मदीना में ठहर गए। कहने लगे आज जुमा है, आज जुमा है, मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमे की नमाज पढ़ के मैं इंशाल्लाह मुसाफिर तक पहुंच जाऊंगा। उनको जगह भी मालूम थी, बताइए जुमा पढ़ना मस्जिद नबवी में, जुमा पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, जुमा पढ़ना, इससे बड़ी बात क्या हो, इससे बड़ा नेक काम क्या होगा। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी सोच इस्तेमाल की, उनका कोई बात नहीं, जुमा पढ़ लूंगा पीछे मस्जिद नबवी में, फिर वहां पहुंच जाऊंगा। खैर बाकी काफिला चला गया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला ने जुमे की नमाज पढ़ी मस्जिद नबवी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, नबी सल्लल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की नमाज से फारिग होने के बाद जब देखा तो अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा मौजूद थे,
मस्जिद नबवी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, आप क्या आप गए क्यों? अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये चाहा कि मैं आपके पीछे जुमे की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करूं, फिर मैं नसर के वक्त वहां पहुंच जाऊंगा, उनके साथियों से जाने दूंगा। पूछा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया, जो हमारी जिंदगियों के लिए उसूल है, जहन के बहुत सारे जालों को, बहुत सारे गुंजलों को, बहुत सारी गिरों को खोल देता है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, अब दुनिया के अंदर और आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ है, उसको भी अगर खर्च कर डालो तो तुम उन लोगों के सवाब तक नहीं पहुंच सकते जो मेरा कहना मानकर वहां तक पहुंच। हमारी अपनी अकल ताबे हो जाए, अल्लाह रब हमें पूरी जिंदगी अपना माल, अपनी जान, अपनी अकल को पीछे रखकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह।